नमस्कार, रब्जी लाइव में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, यहाँ के प्रमुख पार्टियों के दही चूड़ा भोज की राजनीति के बाद बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। खासकर इंडिया गठबंधन दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार में इंडी गठबंधन के, जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दलों के अलग अलग सुर सुनने को मिल रहा है। यह सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। जदयू के तमाम बड़े नेता, चाहे केसी त्यागी हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो या फिर मंत्री विजेंद्र यादव, सभी के सुर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बिहार के 17 सीटों को चुनाव लड़ेगी। इन नेताओं द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो, ताकि भाजपा को हराने के लिए मुस्तैदी से जुटा जाए। इसके ठीक विपरीत लालू प्रसाद ने बयान दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय पर सब कुछ कर लिया जाएगा। कांग्रेस से लेकर वाम दलों तक सीट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं। गठबंधन दलों के बीच तल्खियां इस तरह की है कि बात औकात तक पहुंच गई है। राजनीति के जानकार सूत्रों की माने तो बिहार में एनडी गठबंधन के बीच विश्वास की कमी हो गई है। जदयू और राजद एक दूसरे के छोटी सी छोटी बातों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। यह अविश्वास का माहौल उस समय ज्यादा बढ़ गया जब जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर आरोप लगा कि वे सूबे में राजद की सरकार बनाने के लिए जदयू को तोड़ने में जुटे थे। इसके बाद बिहार की राजनीति का घटना चक्र बदल गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के हटने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन जदयू इस तरह की किसी प्रकार की संभावना से इनकार करती रही। तो लगे हाथ पार्टी के केसी त्यागी ने कहा कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न ही दुश्मन, समय के हिसाब से सब कुछ चलते रहता है। इस तरह के बयान राजनीति में इशारे समझने के लिए काफी हैं। जदयू के अंदरूनी सूत्रों की माने तो ज्यादातर नेता भाजपा के साथ गठबंधन के हिमायती हैं। वैसे नेताओं की समझ है कि भाजपा के साथ चुनाव में जाने से ज्यादा फायदा होगा। हाल के दिनों में नीतीश कुमार का रुख भी भाजपा के प्रति नरम हुआ है। इंडी गठबंधन का संयोजक पद लेने से इनकार करना भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से नाराज तक हो गए थे, वह पद मिलने के बाद छोड़ देना अन्यास नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर नीतीश कुमार भाजपा के तरफ रुख करते हैं तो चिराग की लोजपा पार्टी निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जो भाजपा के सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान किसी तरह के कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। वे नीतीश कुमार को लगातार ललकार रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि बिहार की राजनीति आगे किस दिशा की ओर बढ़ रही है।